नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी में आज तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इस बार मुलायम सिंह का पूरा परिवार अखिलेश के समर्थन में खड़ा दिखाई दिया। इस दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी जसवंत नगर में वोट डालने पहुंचे। हालांकि स्वास्थ्य के तौर पर पूरी तरह से फिट ना हो पाने की वजह से मुलायम सिंह व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे, जहां उनके साथ काफी संख्या में भीड़ दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम यादव ने आज सैफई के मतदान केंद्र पर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी जीत देखने को मिलेगी। आप कह रहे हैं यूपी में साइकिल चल रही है, लेकिन आप तो खुद बाइसाइकिल पर आए हैं। शिवपाल भी कहीं होए आ रहा है वो सब है। किसकी बड़ी जीत होगी, अखिलेश जी की कि शिवपाल जी की? अब टक्कर है दोनों में। बाबूजी बताइए, आप तो खुद मतों के अंतर को लेकर टक्कर है क्या? हटिए कुछ दो हुआ भाई, जिनको आए ना टक्कर है। जसवंत नगर सीट से सपा गठबंधन के उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव ने सैफई के अभिनव विद्यालय में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। देखिए, जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, अब तीसरे चक्र का चुनाव है। अब तीसरे चक्र ने स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है, और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और लगभग 300 सीटें पार कर। करहल का कंपटीशन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, करहल में और जसवंत नगर में दोनों जगह से कम 1,00,000 हम लोग पार करेंगे। अब कंपटीशन है जसवंत नगर में और करहल में कौन ज्यादा जीता है। एसपीएस बघेल बोल रहे हैं कि मुलायम सिंह जी को जबरन कैंपेनिंग कराई गई है क्योंकि वो सीट अखिलेश जी सीट हार रहे हैं। अच्छा, नेताजी वहाँ से सांसद हैं, नेताजी हमेशा जब भी आते हैं तब खुद ही निकल पड़ते हैं, उस दिन भी निकल पड़े हैं। और जब नेताजी और हम सब लोग तीनों लोग रथ में चढ़ गए तो यही भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो गई कि अब तो एक हो गई, अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं। राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने भी सैफई के अभिनव विद्यालय बूथ पर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को चौथे चरण में ही बहुमत मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी पहले तीन चरणों में बहुत आगे चल रही है। राम गोपाल ने कहा कि करहल से अखिलेश यादव 1,50,000 से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। उन्हें खुद नहीं मालूम हम क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन तय है, 100% परिवर्तन। तुम चौथे फेज में बहुमत को प्राप्त कर लेंगे, चौथे फेज तक बहुमत को प्राप्त कर लेंगे। पांचवें, छठवें, सातवें फेज में जो भी सीटें मिलेंगी वे हमारी सरप्लस होंगी। योगी जी 80-20 की क्या बात करते हैं? योगी जी जानते हैं कि 80% हमें वोट मिल रहा है, उन्हें 20% वे मूर्ख हैं। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव संग जसवंत नगर में मतदान किया। तीसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चर्चा मैनपुरी की करहल सीट की है, जहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।